सुबह सुबह हमें डॉक्टर का चेहरा देखने को मिलेगा, दुख की बात है हमें, पर दुख है नहीं। तो अभी खाना भी खाना है, मुझे भूख भी लग रही है सुबह सुबह ही, तो खाते हैं अभी खाना भी। खाना भी खाना है ना, मैंने सुबह से शूट नहीं किया। पहले तो अमन चले गए थे शॉप पे, तो अभी इतना भी सुबह नहीं है, अपनी अभी 1 बज रहा है। हमने गुड मॉर्निंग बोला, अभी 1 बज रहा है, आफ्टरनून है। लेकिन मैंने रोटी भी बना लिया, सारा कुछ काम भी कर लिया, तो अभी हम जा रहे हैं, तो आके फिर ब्लॉग की कंटिन्यू करते हैं। आगे अभी हम और अमन भी चले गए मुझे घर पे छोड़ के, और अभी मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, तो अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी। तो अभी मैं सो के उठ गई हूँ, और मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी चाय पीने का टाइम है, तो बन गई है मेरी गर्मा गर्म चाय, और चाय के साथ है भुजिया। तो ये वाली थोड़ी सी मुझे लग रही है कि थोड़ी सी मीठी होगी भुजिया, ये मैंने ट्राई नहीं किया पहले, तो आज खा के देखती हूँ कि कैसा लगता है। भुजिया बहुत ही अच्छी है और मीठी बिल्कुल नहीं है, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकला है, ये नमकीन है, बहुत ही स्वाद है, और शाम की चाय के साथ तो परफेक्ट मतलब मैच हो रही है, बहुत ही स्वाद हो रही है। तो मैं अमन को हमेशा बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मत लाया करो। पहले अमन क्या करते थे, बहुत सारी एक साथ ही लाते थे, तो मुझे पसंद ना भी आए तो मजबूरी में खाना पड़ता था। तो अभी मैं बोलती हूँ कि एक ही पैकेट लाया करो, थोड़ी सी चीज़ लाया करो, मैं खा के देखूँगी फिर बोलूँगी कि अच्छी है फिर लाओ, तो वैसे लाया करो। तो आज मैं ये भुजिया फिर से मंगवाने वाली हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो अभी टाइम है डिनर बनाने का, तो मैं डिनर की तैयारी मतलब सब्जी बना रही हूँ। मेरी थोड़ी सी कल की चिकन थी, तो मैं चिकन बना रही हूँ अभी, तो सेम वही प्रोसेस में बना रही हूँ जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। तो मैंने इसलिए रेसिपी नहीं डाली, तो अच्छा नहीं लगता एक ही चीज़ को बार 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 रिपीट करते रहना। और सब्ज़ी रेडी होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँगी, क्योंकि आटा मैंने दिन को ही गूंथ के रखा है, तो आटे की कोई टेंशन नहीं है आज, सिर्फ सब्ज़ी होने का वेट है। सब्ज़ी होने के बाद मैं बाहर चली जाऊँगी। सॉरी, नहीं माफ करनी मैंने। शैना, शाली, मेरे के भी यहाँ पे चोट लग गई, मतलब मेरा क्या बोलते उसको, पैर यहाँ पे लग गया जानबूझ के, मतलब नहीं मारा मैंने, तो नहीं मारा जानबूझ के, तो मैं फिर भी मैं माफ नहीं करूँगी। माफ नहीं करेगी शैना ने कैसे, शानू क्यों बोलेगा, शानू ने मुझे थोड़ी ना मारा है ना गुग्गू।
यार लोला काका है, लोला काका। चला आ गला, आ जा मेरे पास, आ जा मैं तो, आ जा आ जा आ जा। आ गुड़िया कितने काका कितने की का कर रहे दिन भर क्या करती रहती है नियामत? दिन भर सोती रहती है। उसका नाम मैंने रखा है, मतलब उसका नाम ना, जब मैं गया था तो मैंने नाम रखा था, तो नाम रखा है इसका नियामत। नियामत नाम रखा है और इसकी मीनिंग है कि गिफ्ट, गॉड गिफ्ट था, तो मैंने नियामत रखा उसका नाम। तो मैंने बोला वो बहुत अच्छा लगा नाम, है ना मेरा, तो गिफ्ट है, तो गिफ्ट अभी घर पे आ गया है, बहुत अच्छा है लग रहा है अभी। अभी ठीक है वो, तबीयत ठीक हो गई तो बहुत हम खुश हैं। तो ये उसका छिट बड़ा भाई शानू बड़ा भाई बन गया। शानू करे कौन है नियामत की लड़की थी। तो अमन आ गए हैं अभी और हमारे घर में आ जाई है मिठाई का डिब्बा, जो कि पाजी लेके गए हैं शानू के पापा गुड़िया के कारण। तो हमें आज डिब्बा आया है और जो मैंने शानू को खाई थी भुजिया वो मैंने फिर से मंगवाए थे क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो ये भुजिया भी अमन लाए हैं। और अभी मैं बनाने वाली हूँ रोटी, सब्जी बनी हुई है, रोटी बनाऊंगी और फटाफट से डिनर कर लेते हैं। ते हुण शानू चले गया वा, पंजाबी च गल करदे आ, पंजाबी च गल करदे ते मेर रोटी हां बनाउंदी आ, ते पंजाबी में गल करो, सारे दोस्त बोलते हैं कि पंजाबी बोला करो प्रा ऐसे वो बोलते हैं मतलब कमेंट करते हैं कि पंजाबी बोला करो। नहीं तू बोल ना। मैं तो बोल ही रहा, मैं बोल नहीं रहा, बोलदी पई आ, बोलदी पई आ। ते एक और मतलब जो हमारे भैया के घर में बेटी हुई थी उन्होंने थोड़ा सा मतलब डिब्बा लाए थे, मैंने बोला है डिब्बा लाए थे लेकिन अच्छा, मिठाई हमारे लिए ये प्यार भेजा इतना, तो उनके लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह आपके परिवार को इतना खुश रखे। तो मिठाई भी कितनी अच्छी है सारी, तो मैंने एक खा भी लिए, एक तूने खा ली और एक मेरे साथ जो काम करता है मेरा छोटा भाई है उन्होंने खा ली, प्रीत ने खा लिया। हाँ तो प्रीत ने खा ली थी क्योंकि आज जो मतलब उनका थोड़ा सा काम था तो आज प्रीत ने कर दिया, तो फिर से मैं हिंदी बोलने लगा, मेरा तेरे साथ रह रह के मुझे आदत बनी हुई वाली, तो फिर से देख ले। तो ते फिर प्रीत ने काम किया वो भाई होना था, तो फिर मैं आज ठीक नहीं ही इस करके सारा काम उन्हें किया बेचारे ने, बेचारे की मेहनत लग गई, अज रात दे 10 बज के 10 बजे अज उन्होंने फ्री किया है, तो अज सगो मैं अपना थोड़ा जहा बाइक भी उन्हें देती तो घर चल जा, अज वो अज घर लेट बहुत गया वा, तो सवेरे बेचारे ने जल्दी आना, मेरे लिए काम बहुत करता है, ये नहीं है। एक दिन हम व्लॉग बनाएंगे, फुल पंजाबी वाला व्लॉग बनाएंगे जिस दिन हम पूरा मतलब सुबह से शाम तक मैं पंजाबी बोलूँगी, पंजाबी बोलेगी, तो नाले ये भी एक व्लॉग होर स्टार्ट कर लगा है मेर दे ब्लॉग दे विच ही, अपना जो भी है मेरा मतलब मेर वर्क आ टैटू का वह भी मैं तुहानू शेयर करया करूँ, हूँ जो भी शॉप ते अहीं जो मस्ती करते हैं सारा कुछ करते हैं वो तुहानू कल तो मिल जाया करूँगा, ठीक है मेर। ओके ओके तो चलो फिर रोटी बनाओ तो फिर खाइए, भुख लगी है उत्तों मैनू खंघ आ रही है, तो मेडिसिन खा लें हमने। जनानी है ना औरत इन्हें मेनू फसा देना, कह देना इन्हें मेरे गले हिंदी का लफ्ज अड़ा देना मिला
जिद्दन अड़ गया जिद्दन मेरे मतलब मेरी आवाज ना निकली कसूर सारा एदा जे बहुत रही है किन्ने खाने है नहीं वीडियो आती है कि आप मतलब उसने बोला रोटी कितने खाओगे पूछना होता है ऐसे बोलते हैं जाके बेलन दिखा के कितने खाने हैं फिर साथ में रोटी भी बोलना कितने खानी है डरा दिया था तूने अभी तो चलो खाना खा के फिर बात करते हैं आपसे तो आदम बहुत ही खुश खुश है तो मेरा इंस्टा पे 10K फॉलोवर हो गए हैं और स्वाइप अप का भी बटन आ गया है मेरे वहाँ पे 10K हो गए अभी केक कटेगी टेन के सब्सक्राइबर अगर यूट्यूब पे आए तो मतलब 1K जब भी आ गया ना तो स्टार्टिंग तो अभी कर दिया है मतलब हमारे बहुत हो गए हैं बस तो बस होने वाले अभी मतलब 1K हो जाएंगे जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो बस जल्दी जल्दी हमें सपोर्ट करो जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाओ आप लोग तो कुछ ना कुछ करें हम तो कुछ ना कुछ करें हम केक पे करते हाँ इंस्टा पे तो हो ही गए 10K हो गए 10K हो गए आज फिर इसी खुशी में मेरे लिए जूस लाए थे बस रोल लाए थे और अनार के जूस लाए तो ये मेरे 10K हो गए हैं फॉलोअर डेवल टैटू स्टूडियो के नाम पे तो यहाँ पे मेरे व्यू भी आ रहे हैं अभी ये मैं हूँ छोटे होते और यहाँ पे अभी मैंने एक पोस्ट की थी तो अभी पोस्ट करके 200 चला गया मेरा तो ये बड़ा होके हुआ है तो आज कलेजे में ठंडक आ गई आपकी पूरी पड़ गई क्योंकि मेहनत की है मैंने मेहनत करके तो मेरे भी कलेजे में ठंडक पुआओ आप लोग तो मेरे भी सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी और मैं मतलब अब तू बोल मैं अमन का रिकॉर्ड तोड़ूंगी इंस्टा पे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो अगर कुछ ठान लो तो होता है मैं तोड़ूंगी बस आप लोग साथ रहो मेरे तो चलिए फिर आज के ब्लॉग की मैं एंड करती हूँ अभी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय